नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं हिमाचल लाइव। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त शिमला से है, जहां पर वन अग्नि जागरूकता अभियान 2018 का शुभारंभ हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त शिमला से ही, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया है। और साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा विधानसभा परिसर से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। साथ ही आपको बता दें कि शिमला से ये बड़ी खबर, वन अग्नि जागरूकता अभियान 2018 का शुभारंभ हुआ है। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से इस अभियान की शुरुआत की गई है। विधानसभा परिसर से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। तो हरी झंडी दिखाकर वन अग्नि जागरूकता अभियान 2018 का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है। तो वन अग्नि जागरूकता अभियान 2018 का शुभारंभ हुआ है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया। तो आपको बता दें कि वन अग्नि जागरूकता अभियान 2018 का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अभियान की शुरुआत की है। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा परिसर से ही हरी झंडी इसको दिखाई गई, और साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों के लिए वाहनों को रवाना किया गया। वन अग्नि जागरूकता अभियान 2018 का शुभारंभ किया गया है, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से इस अभियान की शुरुआत की गई है। हरी झंडी उनकी ओर से दिखाई गई, जिसके साथ ही इस अभियान की शुरुआत की गई। वन अग्नि जागरूकता अभियान 2018 का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से हरी झंडी दिखाकर किया गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, उमेश शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, वन अग्नि जागरूकता अभियान 2018 का शुभारंभ मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है, कैसे ये जागरूकता अभियान जो है आगे बढ़ने वाला है? देखिए, आज सुबह मुख्यमंत्री ने ये अभियान का शुभारंभ किया। प्रदेश में पहली तरह की इस तरह की पहल की जा रही है। जिस तरह से हमें बताया गया, जिस तरह से ये जानकारी दी गई है कि वनों की जो आग है, वनों को, जंगलों की आग की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया जाना सबसे जरूरी है। जब तक स्टेक होल्डर को जागरूक नहीं किया गया तब तक इस तरह की जो आग जनी की घटनाएं और इस तरह की जो जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है, जिसमें कि जंगलों का तो नुकसान होता ही होता है, केवल लाइफ लॉस भी हो जाता है, तो इसको लेकर सरकार जागरूकता की दिशा में आगे बढ़ रही है और एक हाईटेक मैकेनिज्म तैयार करने की दिशा में आगे पहल की गई है, जिसकी शुरुआत में आज मुख्यमंत्री ने जागरूकता जो दल है, अभियान है, इसका आरंभ किया है। इसमें प्रदेश भर में जो जागरूकता वनों को लेकर, कैसे जंगलों की आग से बचा जाता है, आग लगने के समय क्या किया जाना चाहिए, तमाम ऐसी जानकारियां दी जाएगी जागरूकता अभियान के तहत। तो उसी अभियान का शुभारंभ किया, इसमें जो वाहन है उनको प्रदेश भर में भेजा जाएगा, जो युवक मंडल, महिला मंडल और जो समाज के दूसरे तबके के लोग हैं उनको जाकर के उनके घर द्वार पहुंच के, उनके नजदीक पहुंच के लोगों को जंगल में लगने वाली आग, इससे होने वाले नुकसान और इससे कैसे बचा जाए, इन सब उपायों के बारे में जागरूक करेगी, बताएगी, और जो एक फीडबैक होगा उसको वापस सरकार को देगी, जिसको देखते हुए सरकार एक नया मैकेनिज्म तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। आज विधानसभा के प्रश्नकाल में भी यह सवाल प्रमुख रूप से विधायकों ने उठाया और वन मंत्री ने इसका जवाब भी दिया, और मुख्यमंत्री ने भी इसमें शामिल होते हुए कहा कि जंगलों की आग से बहुत नुकसान हो रहा है हमारी वन संपदा को और लाइफ लॉस भी होते हैं, तो उसकी दिशा में हमने पहल की है। अब देखते हैं इस पे आगे किस तरह का फीडबैक जनता से, लोगों से मिलता है और सरकार इस दिशा में आगे कैसे सफलता हासिल करती है। अवंतिका, चलिए बहुत शुक्रिया उमेश तमाम जानकारी के लिए। तो वन अग्नि जागरूकता अभियान 2018 का शुभारंभ किया जाता है, वनों में जो आग लगती है उसको देखते हुए यह अभियान जो है चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में वाहनों को रवाना किया गया है जो जाएंगे, और साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि कैसे जब वनों में आग लगती है तो उससे कैसे बचा जाए, कैसे इसको रोका जाए। इसी को देखते हुए वन अग्नि जागरूकता अभियान 2018 का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से किया गया है।